हेलो दोस्तों दोस्तों ये देखिए जो सिलाई मशीन है, एक जगह तो हल्की चल रही है और ये एक जगह जो है जाम चल रही है मशीन। ये देखिए जैसे हम इसमें उंगली डालेंगे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे जाम आ रही है और यहाँ पे जो है हल्की है और ये देखिए फिर जाम है। ये देखिए तो मशीन जो है जब पायदान पे चलती है तो आवाज़ ज़्यादा करती है और अटक 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 के चलती है। तो इसको मशीन को ठीक करके दिखाएंगे हम आपको कैसे ठीक करनी है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है तमिलनाडु से, उन्होंने जो है ना इसी टॉपिक पे वीडियो मांगी है क्योंकि उनकी जो सिलाई मशीन है ना एक जगह तो जाम चल रही है, मैंने देखी है वो कहाँ दिक्कत है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो जरूर देखना जो हमारे सब्सक्राइबर है वे भी और आप भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। दोस्तों वीडियो को देखो जरूर कैसे ठीक होती है, ये देखना। चलो मशीन को ठीक करते हैं। दोस्तों देखिए यह हर मशीन में जो है टेलर जो है ये गलती जरूर करते हैं। ये देखिए ये हैंडल चल रहा है ना इसका, ये तो सीधी चाल होगी और ये बैक चाल होगी। जब हम इसको जो है घड़ी को बंद करेंगे ना, ये देखिए जैसे हम इसको चाल को बंद कर रहे हैं, चाल बंद कर दी हमने। चाल बंद करने के बाद ये देखिए ये हैंडल ऊपर नीचे चल रहा है और यहाँ से जो है बिल्कुल जीरो नंबर पर आगे बंद होगी और फिर भी हमारी जो है सिलाई मशीन जो है चाल चल रही है। एक तरह और दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी तरीके से। ये देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए पहले तो ये जैसे हमने चाल बंद कर रखी ना बिल्कुल पाँच नंबर पे, ऊपर जो है देखिए लॉक लग चुका है इसका बिल्कुल, अब ये बंद नहीं होने की यहाँ से, और हैंडल फिर भी चल रहा है हमारा। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख ले, यहाँ पर कोई गत्ता रखेंगे कागज, ये रख लिया और हमने ये देखे लॉक है बिल्कुल और ये हैंडल ऊपर नीचे हो रहा है, चाल खुल रही है। और जैसे कि हम व्हील चलाएंगे ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने डायल बंद कर दिया बिल्कुल तो चाल हमारी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, चल रहा है ना गत्ता। सबसे बड़ी कमी तो है यहाँ, तो हमें इसको बंद कैसे करना दोस्तों, जैसे हमने डायल बंद कर दिया तो हैंडल बिल्कुल लॉक होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मशीन को ऐसे लिटा लेंगे और प्लास ले लेंगे। दोस्तों प्लास लेने के बाद ना ऐसे घड़ी को ऐसे पकड़ लेंगे डायल को और इसका जो ऊपर का पेंच है ये खोल लेंगे, ठीक है। ये खोल लिया, इसको थोड़ा पीछे करेंगे ऐसे और इसको पेंच को बंद करेंगे, बंद कर लिया। अब देखेंगे हम इसको घुमा घुमा के लाएंगे, ये देखें अब भी लॉक नहीं हुआ, डायल बंद हो गया। फिर इसको जो है थोड़ा सा और खोल लेंगे ऐसे पकड़ के, इसको खोल लिया और ये घड़ी जो है ना पीछे ले आएंगे ऐसे, अभी थोड़ा सा और होगा, इसको ऐसे ऐसे पकड़ ले और खोल ले इसको। ये देखिए दोस्तों जैसे हमने डायल खोला घड़ी खोली और ये हमारा चाल ऊपर नीचे हो रही है, और जैसे हम इसको बंद करेंगे फाइनल पे, ये देखिए तो अब ये जो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हैंडल है ना ये यहाँ पे बीच में रहना चाहिए, इसका एक पेंच खोल लें यहाँ से नीचे से और इसको यहाँ पे बीच में ले आए बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों जैसे हमने बिल्कुल बंद कर दिया और ये हैंडल बिल्कुल जाम, इसको खोलने के बाद ऊपर नीचे तब होना चाहिए। और अब देखें हमारी मशीन बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों पहले अटक रही थी ना, अब बिल्कुल गोल चल रही है मशीन। जैसे हम इसको अब मैं गत्ता दब के दिखाता हूँ आपको, चाल बंद कर दी हमने यहाँ से और अब इसको मैं गत्ता रख के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए बिल्कुल गत्ता रुक गया है, एक ही सुराख पर जहाँ पे है वहीं पे ही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों। ऐसे ही आप जो है ना अपनी सिलाई मशीन की वीडियो बनाकर जो मेरा नीचे नंबर आ रहा होगा ना इस पे जो है व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर सकते हैं और मैं आपको जो है इसका सिलाई मशीन का सोल्यूशन बताऊंगा कैसे ठीक करनी है, ठीक है दोस्तों। बस ये है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और आप हमारे साथ बने रहें।